विराट आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमी के अगले लेक्चर पर चलेंगे। होप के पिछला लेक्चर आपने अच्छे से कर लिया होगा और उसके पॉइंट्स भी आपने मेंटेन कर लिए होंगे। आज का जो पहला इशू है हमारा, वो इंडिया के एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित है, जिसे मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं, और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित है, अर्थात तरजीही व्यापार समझौता। देखो, हर देश अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करता रहा है। जैसे साउथ एशिया में साफ्टा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसी तरह साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा। तो भारत के कुछ प्रमुख एफटीए और पीटीए हम देख लेते हैं। भारत का श्रीलंका के साथ एक एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा है। तीसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया नेपाल के बीच। चौथा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया भूटान के बीच। पांचवा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया थाईलैंड के बीच, इंडिया थाईलैंड एफटीए अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के तहत। छठा एफटीए है इंडिया सिंगापुर। सातवां एफटीए है इंडिया आसियान। आठवां एफटीए है इंडिया साउथ कोरिया। नौवां है इंडिया जापान सिपा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दसवां है इंडिया मलेशिया और ग्यारहवां है इंडिया मॉरिशस। इस प्रकार 11 देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब बात करेंगे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, अर्थात तरजीही व्यापार समझौते की। तो भारत का एक तरजीही व्यापार समझौता है एप्टा के साथ, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा है ग्लोबल सिस्टम ट्रेड प्रेफरेंसेस। तीसरा पीटीए है इंडिया का साप्टा, जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। चौथा है इंडिया अफगानिस्तान पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। पांचवा है इंडिया मरकोसुर पीटीए। छठा है इंडिया चिली। तो इन देशों के साथ भारत का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, और इस तरह आप ये देख रहे हैं कि 6 देशों के साथ पीटीए है और 11 देशों के साथ एफटीए है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की, केन नदी और बेतवा नदी की। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यानी केन और बेतवा दोनों नदियों के लिंक को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है। इससे बुंदेलखंड में पानी की कमी दूर हो सकेगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, और लगभग 8 साल में ये परियोजना पूरी होगी। 44,605 करोड़ का ये केन बेतवा लिंक है। इसका जो कैलकुलेशन किया गया है वो 2020-21 के पैटर्न पर किया गया है, इस मूल्य स्तर पर। तो इसमें देखो, जो पानी है, पानी के पीने के पानी के साथ साथ इसमें बिजली के उत्पादन भी होगा। 27 मेगावाट बिजली इसमें पैदा की जाएगी, और लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर एरिया में, क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। बुंदेलखंड क्योंकि वाटर डेफिसिट एरिया है। देखो, इस परियोजना के तहत केन नदी से पानी भेजा जाएगा बेतवा नदी में। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, यानी बेतवा से केन में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि केन नदी से पानी बेतवा में भेजा जाएगा। नेक्स्ट, जो जीवीए में ग्रोथ है, ग्रोस वैल्यू एडेड, जीडीपी के स्थान पर अब जीवीए के कॉन्सेप्ट को मान्यता दी जा रही है, यानी वैल्यू में एडिशन कितना हुआ है। तो जीवीए में जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है और फिशिंग है, कृषि वानिकी और मत्स्यन, 3.9% का ग्रोथ है इसमें 2021-22 के जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं। दूसरा माइनिंग और क्वेरिंग, माइनिंग और क्वेरिंग यानी खनन और उत्खनन, इसमें ग्रोथ है 14.3%।
तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। विनिर्माण में 12.5% की जीवीए ग्रोथ अनुमानित है। तो जीवीए के कॉन्सेप्ट में ये ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम चर्चा करने चलेंगे दिसंबर 2021 के आखिर में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व थे 633.6 बिलियन डॉलर, हालांकि वर्तमान में ये 650 बिलियन डॉलर के लगभग हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आरसेप का। देखो ये एक रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भारत शुरुआत में आरसीईपी समझौते में सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन बाद में अपने हितों को देखते हुए भारत इससे पीछे हट गया, क्योंकि इसमें संसार के बड़े मैन्युफैक्चरर शामिल हैं और इसमें फ्री एक्सेस दिया जाएगा मार्केट का। जो देश इसमें सम्मिलित हो जाएंगे वो अपने माल को कहीं भी ले जाकर सेल कर सकते हैं। इसमें साउथ कोरिया सम्मिलित है, इसमें जापान जैसे मैन्युफैक्चरर हैं और इसमें चाइना जैसा बहमौत शामिल है, अर्थात इतने विशाल उत्पादक देश इसमें सम्मिलित हैं। तो आसियान के 10 देश और +5, तो आसियान +5 के बीच में ये समझौता हुआ है जिसका नाम है आरसीईपी। और अंक टार्ड जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का ऑर्गन है, विश्व व्यापार के बारे में आंकड़े जारी करता है, उसने कहा है कि आरसीईपी आने से 90% तक के ड्यूटीज इन देशों में कट हो जाएंगे और इससे 42 अरब डॉलर के व्यापार में वृद्धि होगी। तो भारत आरसीईपी समझौते में नहीं है। आरसीईपी समझौते में आसियान है और आसियान के अलावा 5 देश और सम्मिलित हैं। तो दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साउथ कोरिया, जापान और चाइना भी आरसीईपी में सम्मिलित की गई हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बैंकों पर जो एनपीए का बर्डन पड़ रहा है, अभी लगभग 8,34,000 करोड़ का एनपीए है, तो इसके लिए दो बैंक्स बनाने की, बैड बैंक्स बनाने की अप्रूवल सरकार ने दिया है। एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड और दूसरी कंपनी है आईडीआरसीएल। तो ये दो बनेंगे और जिन बैंकों का बैड लोन ये एब्जॉर्ब करेंगे, 15% कैश में दिया जाएगा और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट में दिया जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। देखो एनपीए से निपटने का ये तरीका वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो किया जाता रहा है और उसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी बैड बैंक की शुरुआत की है। तो ये पहला ऐसा बैड बैंक है। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पर चलते हुए सरकार ने एयर इंडिया को हैंडओवर कर दिया है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, और 18,000 करोड़ रुपए की बिड लगाई गई थी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, और इस तरह एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले कर दी गई है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर गोल्ड का कंजम्पशन बेहद अधिक है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विश्व स्वर्ण परिषद, इस संदर्भ में हर साल अपने आंकड़े जारी करती है। तो 2021 के इन आंकड़ों के अंतर्गत भारत में पिछले सालों की तुलना में गोल्ड के खपत में काफ़ी वृद्धि हुई है और डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है। भारत में गोल्ड की खपत में 78.6% वृद्धि हुई है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये बताती है कि 2020 में इंडिया में गोल्ड की जो खपत थी वो 446 टन थी। 2021 में यह बढ़कर 797.3 टन हो गई। 2022 में इसके 850 टन तक पहुंचने की संभावना है। नेक्स्ट बाइट है लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस के लिए एक एक्सपेंशन की, खर्च की एक ऊपरी सीमा तय की गई है, खर्च की ऊपरी सीमा। इस ऊपरी सीमा को बढ़ा दिया गया है। जो बड़े स्टेट हैं, बड़े राज्य, वहाँ पर लोकसभा के खर्च में अभी तक 70 लाख रुपए की ऊपरी लिमिट तय थी, जिसे बढ़ाकर अब 95 लाख कर दिया गया है। जो छोटे राज्य हैं वहाँ 54 लाख ये सीमा निर्धारित थी प्रति उम्मीदवार, जिसे बढ़ाकर अब 75 लाख कर दिया गया है। उधर विधानसभा चुनाव में
बड़े राज्यों में 28 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है और छोटे राज्यों में 20 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 28 लाख। नेक्स्ट, भारत का टॉप नॉच स्पेस रिसर्च का संगठन है इसरो। इसरो के चेयरमैन चेंज हुए हैं और नए चेंज बनाए गए हैं इसरो के सीनियर साइंटिस्ट एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जी नए इसरो के चेयरमैन होंगे। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। देखो, भारत में जो कुल खाद्यान्न है, टोटल जो फूड ग्रेन्स हैं, इनका प्रोडक्शन 2021 और 22 में 316.06 मिलियन टन रहा है। इस डेटा को याद रख लीजिए एक बार। स्टेट में और यूनियन दोनों पब्लिक सर्विस कमीशन्स ने खाद्यान्न का डेटा पूछ लिया था वर्तमान में, क्योंकि दुनिया फूड ग्रेन क्राइसिस की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में जो 316.06 मिलियन टन खाद्यान्न है, इसमें सबसे ज़्यादा पैदावार है चावल की 127.93 मिलियन टन, इसके बाद गेहूं की 111.32 मिलियन टन और तीसरे नंबर पर आते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाजों में 49.86 मिलियन टन। वैसे बागवानी के और एग्रीकल्चर के और बाकी जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैं उसमें वर्ल्ड में कौन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, हॉर्टिकल्चर में कौन लीड करता है, वो डेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ग्लोबल प्रायोरिटीज़ और नेशनल प्रोडक्शन के जो प्रेफरेंसेस हैं वो अपलोड किए गए हैं, आप उस डेटा को वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये टॉप थ्री फूड ग्रेन्स हैं इंडिया में और टोटल बैठते हैं 316.06 मिलियन टन। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इंडिया में, इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात के बीच फ्री ट्रेड के लिए एक समझौता हुआ है, सेपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे की मार्केट को खोलेंगे एक दूसरे के लिए और इंपोर्ट्स में भी कमी करेंगे। नेक्स्ट, मुंबई में एक वाटर टैक्सी शुरू की गई है, वाटर टैक्सी। भारत में ये पहली वाटर टैक्सी है और इससे मुंबई से जो नवी मुंबई का एरिया है उसके बीच की डिस्टेंस जो अभी बाई रोड 2 घंटे तक कवर होती है वो 30 से 40 मिनट में कवर हो जाएगी। तो टाइम एनर्जी का काफ़ी सेविंग इससे हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, गीले कचरे से बनने वाला जो बायो सीएनजी है वो बनाया जाएगा और इसको इंदौर में सेटअप किया जा रहा है, यानी गोबर धन। तो गीला कचरा, गोबर, इन सब से मिलाकर के एशिया का ये सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगेगा। यूनाइटेड नेशंस के 17 एसडीजीज हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इनको अचीव करने की दिशा में भारत की स्थिति काफ़ी कंसर्निंग है, काफ़ी चिंताजनक है और 165 कंट्रीज में भारत का 120वां पोजीशन है एसडीजी के पॉइंट से। एसडीजी को अचीव करने में टॉप रैंक है फिनलैंड की, स्कैंडिनेवियन देश है। दूसरी रैंक है स्वीडन की, ये भी स्कैंडिनेवियन देश है। तीसरी है डेनमार्क की। तीनों स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज टॉप रैंक में है एसडीजी को अचीव करने में। सबसे अंतिम जो 165वां स्थान है एसडीजी अचीव ना कर पाने में, वो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। भारत का 120वां है, चाइना का 57वां और भूटान का 75वां रैंक इसमें बताया गया है। जो 17 एसडीजीज हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप गूगल करके या किसी भी स्रोत से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यों में एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग लेकर आया है, अर्थात कौन राज्य एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में कितना लीड कर रहा है। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अर्थात निर्यात तैयारियों के मूल्यांकन हेतु ये सूचकांक है, इसमें टॉप रैंक दी गई है गुजरात को, यानी गुजरात इंडिया का एक्सपोर्ट करने में लीड स्टेट है। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है तमिलनाडु, पांचवा है हरियाणा, छठा है उत्तर प्रदेश। तो आप देखें कि टॉप 6 में 4 स्टेट कोस्टल स्टेट्स हैं,
बाकी दो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, एक मर्जर और एक्विजिशन की न्यूज़ है, जो HDFC बैंक है इसने अपनी ही कंपनी HDFC लिमिटेड में अपना मर्जर किया है। HDFC लिमिटेड हाउसिंग लोन्स को प्रोवाइड कराने वाली इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, और मर्जर के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इनका जो मार्केट कैप है वो लगभग $8.35 trillion का हो जाएगा, $8.5 trillion। तो ये एक बहुत बड़ा मर्जर था। नेक्स्ट, इंडिया पर जो फॉरेन डेट है, तो December 21 के डेटा हम डिस्कस करेंगे, विदेशी जो कर्ज है भारत के ऊपर वो $614.9 billion का है, $614.9 billion। ये जो $614.9 billion है, अगर इसे GDP के परसेंटेज में देखें तो ये 20% बैठता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, इंडिया में CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, CPI का बेस ईयर 2012 है। तो CPI के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, CPI के, वो CPI के आंकड़ों के हिसाब से देश में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रहा है मार्च 2020 में, वो 6.95% रहा है, लगभग 7% इन्फ्लेशन CPI के अकॉर्डिंग रहा है। अब देखो, CPI के जो इन्फ्लेशन है इसे कौन कैलकुलेट करता है, कितने मार्केट से कैलकुलेट करता है, यहाँ पर ये साइड में क्वेश्चन बन जाते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो मुद्रा स्फीति की दर मार्च 2022 के अंत में कैलकुलेट की गई है वो 14.55% है, यानी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है इन्फ्लेशन इंडिया में। नेक्स्ट कुछ डेटा है एक्सपोर्ट का या फॉरेन ट्रेड का। इंडिया के एक्सपोर्ट से निर्यात से जो कुल प्राप्तियां रही हैं 2021 और 22 में वो $669.65 billion रही हैं। इंडिया के जो इंपोर्ट्स इस पीरियड में रहे हैं, ये एक्सपोर्ट्स रहे हैं, इंपोर्ट्स का डेटा है 756.68, इसका मतलब जो व्यापार शेष है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्लियरली डेफिसिट में है। तो जो डेफिसिट है आप देख सकते हैं कि वो लगभग $87.03 billion का डेफिसिट है, और हम ये जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स जैसे जैसे डाउन होते चले जाएंगे और इंपोर्ट जैसे जैसे इंक्रीज होते चले जाएंगे तो देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड जितना जितना करंट अकाउंट डेफिसिट जितना इंक्रीज होता जाएगा, डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू उतनी ही डाउन होती जाएगी। अब 2021 और 22 में इंडिया के सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट रहे हैं उनको देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स, इंडिया की टॉप ऐसे तीन आइटम कौन से हैं जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है और फॉरेन प्रेशियस करेंसी अर्न करता है। पहला है इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग के सामान, लगभग $111.6 billion सबसे ज़्यादा इंडिया इंजीनियरिंग के गुड्स सेल करता है इंटरनेशनल मार्केट में। नंबर दो पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देखो इंडिया डेफिनेटली पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, लेकिन इंडिया के पास पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने की टेक्नोलॉजी है। इंडिया क्रूड को परचेज करता है और रिफाइन करके उसको मार्केट में फिर रीसेल करता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो $65.04 billion। नंबर तीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कभी लीडिंग था एक्सपोर्ट में लेकिन अब नंबर तीन पर है $38.94 billion। तो टॉप थ्री इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं। बात करेंगे इंडिया के इम्पोर्ट्स की, इंडिया के इम्पोर्ट्स में नंबर वन पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यानी क्रूड ऑयल, क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड्स बहुत अधिक हैं। नंबर दो पर हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, और नंबर तीन पर है गोल्ड। अभी हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा पढ़े और ये पढ़ा कि 700 टन पर ईयर से ज़्यादा की खपत इंडियन मार्केट में हो रही है जो लगातार बढ़ती जा रही है। हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इंडिया में टोटल 333.25 million tons, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और ये 2021-22 के प्रोजेक्शंस हैं, यानी 2021 और 2022 में हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन
भारत में सब्जियां और फलों का 333.25 मिलियन टॉन्स रहा है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इंडिया में बिलियनेयर्स की संख्या के बारे में। देखो फोर्ब्स मैगजीन, हमने तीन मैगजीन का डिस्कशन किया था। फोर्ब्स मैगजीन विश्व के ताकतवर देशों की लिस्ट बनाती है और इसके अलावा दुनिया के रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट भी जारी करती है। तो संसार के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क इस लिस्ट के मुताबिक, और मिस्टर जेफ बेजोस इसमें नंबर दो पर आते हैं। और इस लिस्ट के हिसाब से, ये लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से अप्रैल 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखो ये लिस्ट और ये नाम थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं, मंथली चेंजेस आ सकती हैं, जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो नेम भी चेंज होते चले जाएंगे। तो मार्च 2022 के हिसाब से मुकेश अंबानी जो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऑन और लीड करते हैं, वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन थे फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग, और गौतम अडानी नंबर दो पर थे। तो ये बात है मार्च 2022 की। लेकिन अप्रैल 2022 में इसमें चेंज देखने को मिला और गौतम अडानी ने, जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लीड कर रहे हैं, इन्होंने मुकेश अंबानी की RIL को पीछे छोड़ दिया। तो टिल डेट गौतम अडानी रैंक वन पर हैं रिचेस्ट लिस्ट में इंडिया की। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की एक हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है क्वार, क्वार हाइडल प्रोजेक्ट। ये चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको बना रहा है चेनाब, चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड CVPPL के द्वारा ये बनाया जा रहा है। हमने आज अपने लेक्चर की शुरुआत में FTA और PTA के बारे में डिस्कशन किया था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपस में देश साथ आते हैं, तो बायलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टा, ECTA। तो जो ECTA साइन हुआ है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन हुआ है और दोनों देशों को इससे काफी लाभ होगा। नेक्स्ट हम देखो डिस्कस करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विनिवेश नीति के बारे में। भारत सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट या रणनीतिक विनिवेश की नीति को क्रियान्वित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है पवन हंस, पवन हंस जो कंपनी है इसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल कर दिया है स्टार मोबिलिटी नाम की प्राइवेट कंपनी को। और ये जो स्टेक सेल किया गया है स्टार 9 मोबिलिटी को, स्टार 8 नहीं, स्टार 9 मोबिलिटी को, ये जो स्टेक सेल किया गया है ये 211.4 करोड़ में केवल सेल कर दिया गया है। हालांकि जो 49% स्टेक है वो अभी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग महारत्न कंपनी है ONGC, अभी उसके पास है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे IMF ने बताया है, नेशनल मॉनेटरी फंड के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं अप्रैल 2022 के, जिन्हें कहा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन इशू करता है, तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। इसने कहा है कि भारत के लिए 2022 और 23 में जो ग्रोथ होगी तो वो 0.8% की कट किया है इसने, IMF ने, कि 0.8% कम ग्रोथ होगी। 2022-23 में पहले ये बताया गया था कि इंडिया 9% की ग्रोथ लेगा GDP के अकॉर्डिंग, लेकिन अब 0.8% कट होने से 8.2% की ग्रोथ इंडिया ले पाएगा, ऐसा प्रोजेक्शन है। और 2023 और 24 के लिए ये जो ग्रोथ है ये घटकर 6.9% होने की संभावना व्यक्त की है IMF की इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में। नेक्स्ट मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई जो विकास बैंक है, उसने बताया कि इंडिया में 2022 में 7.5% की ग्रोथ रहेगी और 2023 में
8% की जीडीपी ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है भारत में। नेक्स्ट काइंड ऑफ एक स्मॉल सा डेटा है, बस इसे याद रख लेंगे आप। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री विजय सांपला। तो विजय सांपला इस समय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन होंगे। इसी तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। तो हम इकोनॉमी के लेक्चर को आज ही समाप्त करते हैं। हमारा इकोनॉमी का जो पूरा ईयरली राउंड अप था, हमने काफी उसको कॉम्पैक्ट वे में करने का प्रयास किया। आप ये जो लेक्चर की सीरीज है, अगर इसको डेप्थ में कर लेंगे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका पेपर में बहुत आपको मदद मिलेगी। तो इसे बार बार आप रिवाइज करके देखें। बाकी आप अगर चाहें तो नोट्स वगैरह के लिए यूट्यूब, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे, उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको वहाँ इकोनॉमी के काफ़ी डेटा उपलब्ध हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।